हम सबको पता है जैसा अन्न होता है वैसा, बोलिए एक बार, जैसा अन्न वैसा, उंगली रखो, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा शरीर नहीं है, जैसा अन्न वैसा तन नहीं है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हमें कितना ध्यान रखना चाहिए अन्न का, उस अन्न से हमारा मन बनता है। गुजरात ऐसी धरनी है जहाँ सात्विक अन्न खाया जाता है। अब वो सात्विक अन्न को थोड़ा सा और शुद्ध बना लेते हैं। एक ध्यान रखो, मेरे मुख के अंदर कुछ भी ऐसा जाना नहीं चाहिए जो तामसिक है। अगर मेरे मुख में कुछ तामसिक गया तो वो मेरे मन को नहीं बचा पाएगा, वो मन जाएगा ही दूसरी तरफ। कोई खाने की चीज़, कोई पीने की चीज़, कोई ऐसी आदत, सिर्फ एक संकल्प करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ हैं, मेरे मुख में सिर्फ और सिर्फ सात्विक जाता है, सिर्फ प्रसाद जाता है। प्रसाद मतलब जो भोजन हमने प्रसाद की तरह बनाया वो प्रसाद बन गया। आपकी तो वो धरनी है जो बिना प्याज लहसुन के खाना खाती है, कितनी सात्विक। बिना प्याज लहसुन के खाना कब बनता है? जब नवरात्रे होती हैं, जब देवियों का आह्वान करा जाता है, तब देश में लोग उस टाइम बनाते हैं। आप तो रोज ही खाते हैं। उन संस्कारों को वापस ले आओ, उसी के अंदर अपनी सात्विकता है, वो शक्ति है हमारे घर की। तो जब खाना बना रहे हैं तब बहुत ध्यान रखना है। रसोई में भगवान की याद के शब्द चलने चाहिए, फिक्स्ड, परमानेंट फिक्स कर दो उसको। रसोई के अंदर मंत्र चले, भजन चले, प्रवचन चले, वो रसोई के अंदर चलने चाहिए, ताकि रसोई से अन्न और पानी, फल, अनाज, सबकी शक्ति ऐसे बढ़ जाए जैसे मंदिर में प्रसाद बन रहा है। और जो जो भोजन बनाते हैं, हाथ उठाओ, कौन कौन खाना बनाता है अपने घर पे? बहुत बड़ी जिम्मेवारी। खाना बनाते समय, रोटी बेलते समय, आटा गूंदते समय, ये 10 संकल्प डालते रहना पूरे घर के लिए, कि मेरे घर में हर एक शक्तिशाली आत्मा है, परमात्मा की शक्ति इस रोटी में जा रही है, उनका शरीर स्वस्थ है, निरोगी है। बनना चाहिए, होना चाहिए नहीं, है बोलना है। खाना बनाते समय ये डालते जाना, लेकिन साथ साथ कुछ चलना चाहिए रसोई के अंदर। इसको तो फिक्स्ड कर लो। आजकल घरों में कुछ कुछ और ही चल रहा होता है, नहीं तो भगवान के महावाक्य रसोई में चलने चाहिए। और फिर खाने के समय एक आदत बना लो कि हर घर में ये नियम बन जाए कि खाना खाने के समय फोन और टीवी बंद होना चाहिए। ये कौन कौन करने के लिए रेडी है? 10-15 मिनट के लिए फोन साइलेंट पे दूर और टीवी बंद। नहीं तो आजकल कैसे खाना खाते हैं? खाना लेकर बैठ जाते हैं, सामने टीवी चलाते हैं, बीच में फोन आता है तो उस पर भी बात करते हैं और ऐसे खाना खाते हैं। और फिर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, उसमें टीवी की भी बातें चली गई, फोन की भी बातें चली गई, अपनी सोच भी चली गई, तो कैसा अन्न हो गया? सात्विक मतलब वाइब्रेशन भी शुद्ध चाहिए, शुद्ध चाहिए। और भोजन करने से पहले 5 सेकेंड रुक कर परमात्मा को शुक्रिया करके ये सीन लेकर आओ कि सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तियाँ उस भोजन में जा रही हैं, जैसे सूर्य की किरणें भोजन में जा रही है ना, ऐसे परमात्मा की सर्वशक्तियाँ उस भोजन में जा रहे हैं। ये शक्तिशाली भोजन, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, बोलना है भोजन को देखकर, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं शांत हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ और मेरे चारों तरफ उसका सुरक्षा कवच है। 5 सेकंड लगेगा। ये हम खाने को देखकर भी बोलें, ये हम पानी में भी ये संकल्प डालें, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो अन्न और पानी को शुद्ध बनाओ। ऐसे नहीं चलते फिरते कुछ भी खा लिया, चलते फिरते ऐसे पानी पी लिया, टीवी देखते हुए कर लिया, ऐसे करेंगे तो यहाँ की वाइब्रेशन क्या हो जाती है? नीचे। अन्न को प्रसाद बनाओ, पानी को अमृत बनाओ। पकड़ो ग्लास, ऐसे पानी का ग्लास आपके हाथ में है, ठीक है? कहीं भी बैठे हैं, किसी के भी साथ बैठे हैं, ऐसे ही नहीं खाना पानी करना है कभी। पानी का ग्लास है, सिर्फ 3 संकल्प करते हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ,
मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, मैं भगवान का फरिश्ता हूँ। बस इतना सा करो और पानी पी लो। आपने पानी की वाइब्रेशन को चेंज कर दिया। करते हैं ना ऐसे, पानी लेते हैं, उसमें मंत्र बोलते हैं ना, और फिर उस पानी से शुद्धिकरण करते हैं। तो अपने मंत्र भी बोलो इसके अंदर कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का फल। जो अन्न और पानी में संकल्प डालेंगे वो बहुत जल्द यहाँ सिद्ध होने लगेगा। तो सुबह करेंगे, रात को करेंगे, दो तीन बार खाना खाएंगे तब करेंगे, पानी पियेंगे तब भी करेंगे। पाँच 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 सेकेंड, पूरे दिन का एक मिनट भी नहीं बनता, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें सारा दिन हमारे संकल्पों को किधर रखेगी, इधर। और जब हमारे संकल्प इधर रहेंगे तो घर की वाइब्रेशन कैसे रहेगी, इधर। मेरा हर कर्म कैसा रहेगा, इधर। मेरा भाग्य कैसा रहेगा, इधर। और एक सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तो कैसे छोड़ूंगी, एकदम लाइट। और लाइट जाकर आगे का भाग्य भी किधर होगा, इधर। ये सारी पावर हमारे पास है, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति आ रही हो। याद रखना, बॉल ऐसे आ रही है, मुझे अब कौन से रंग की बॉल भेजनी है, दुआएं दुआएं और दुआएं। और इसको बहुत सहज करना है। कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, सत्युगी दुनिया बननी है, उसके लिए हमें सत्युगी संस्कार बनाने हैं। और उसी के लिए निराकार परमात्मा, जिनको हम बहुत प्यार से शिव बाबा कहते हैं, निराकार परमात्मा आकर हमें शिक्षाएं देते हैं, ज्ञान देते हैं कि कैसे हम अपने संस्कारों को इतना ऊपर उठाएं जो देवी देवताओं की सत्युगी दुनिया बनाएं। बनाने ना, किस किस को अपनी शक्ति को उतना ऊपर उठाना है, उठाना है ना। तो ये बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर हाउस से कनेक्ट करना पड़ता है, उसी को कहते हैं राजयोग। तो अपने घर का शक्ति स्तंभ बनना है, अपने बच्चों को शक्ति देनी है, और वो करने के लिए खुद में शक्ति भरनी है। तो आप सबको एक छोटा सा बैग मिला था, किस किस को बैग मिला था, सबको बैग मिला। उस बैग में एक तो प्रसाद है जो बहनों ने बहुत प्यार से आपके लिए बनाया है। जब आप सेंटर पर आएंगे, आप दीदी से सीखेंगे कि घर में भोजन कैसे बनता है, ऐसा भोजन जिससे परिवार का भाग्य बदल जाता है, किस स्थिति में क्या सोचते हुए भोजन बनाना है। तो आपके बैग में प्रसाद है, और आपके बैग में कार्ड है जिस पर राजयोग शिविर का टाइम और डेट लिखा हुआ है। कल 22 तारीख है, पिछले महीने हम सब ने शिवरात्रि मनाई, इस हफ्ते हम सब होली मनाएंगे। होली मतलब पवित्रता, होली मतलब मैं परमात्मा की होली।